दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी स्वास्थ्य विशेष श्रृंखला हेल्थ केयर में। आज का विषय है मेडिकल साइंस कल और आज। विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं IMA के प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर BR देशमुख सर। सर एक जो आपकी बातचीत में जो आपसे बातचीत हमने की और जो बातचीत आपने शेयर की, तो आपने ऐसा बताया था कि आपकी सेवा में इतना जो आपका काम देख के, आपकी तत्परता देख के, आपकी निरंतरता देखते, आपको सीजरियन सेक्शन ऑपरेशन जो होता है, जो आमतौर पर गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, वो आपने काफ़ी सारे किए हैं। तो स्वाभाविक तौर से एक प्रश्न आता है कि जब आज जो चीज़ें स्पेशलिस्ट तक कर लिमिट है, वहाँ तक के सीमित है, तो उस समय में परमिशन आपको कैसे मिली? सतीश जी, बात ऐसी है कि उस वक्त लिमिटेड डॉक्टर्स थे, तो हम लोगों को काफ़ी चांसेस मिलते थे कुछ सर्जरी करने का। और आई वॉज शुरू से मैं इंटरेस्टेड था सर्जरी में। गवर्नमेंट के लेवल पे, शासन के लेवल पे ट्यूबेक्टोमी, उसके बाद में वेसिक्टोमी, आईसीयू इंसर्शन, उसके बाद में तुम्हारा ये जो बहुत से ऑपरेशन है, गवर्नमेंट हमको ट्रेनिंग को ही भेजती थी। ठीक है, MTB ट्रेनिंग से ये गवर्नमेंट हमको ट्रेनिंग को, उसी में दरमियान हमारा सब ट्रेनिंग हो गया था और इट वॉज वेरी कंपल्सरी। तो उस बाद में ट्रेनिंग करते करते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत से माइनर ऑपरेशन हमने किए। उस वक्त हमारा असिस्ट भी काफ़ी किए, बड़े ऑपरेशन के साथ में भी असिस्ट किए, क्योंकि सर्जन लोगों को ही असिस्टेंट लगते थे तो हम लोगों को बुलाते थे। तो इस बहाने हमको गायनेकोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ गया। जब हम पब्लिक हेल्थ में थे तो ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन एक दिन में 5 से 7-8 ऑपरेशन हम लोग करते थे, तो वो डेयरिंग हमको था। जब इधर हम लोग आ गए तो मेरा पोस्टिंग मुर्तिजापुर में वुमेन्स हॉस्पिटल में हुआ। तो वुमेन्स हॉस्पिटल कम से कम 50-bedded हॉस्पिटल्स था और वहाँ पे सीनियर लेडी डॉक्टर्स थे, लेडी गायनेकोलॉजिस्ट। तो मैंने मैडम से बोला, वहाँ मैडम थी, मैडम से बोला कि मैं मैडम ट्यूबेक्टोमी तो रेगुलर करता हूँ और बाकी MTB भी करता हूँ, मैंने किया हूँ, तो मुझे आपसे सीजरेज सीखना है। तो मैडम बोली, डॉक्टर साहब आपको तो आता है, रेगुलर आप करती है ट्यूबेक्टोमी वगैरह, आप 7-8-10 ऑपरेशन मुझे असिस्ट कीजिए और उसके बाद में, लेकिन चैलेंजिंग 9वां या 10वां ऑपरेशन आपको सीजरेन सेक्शन करना पड़ेगा। तो हमने मैडम के साथ में काफ़ी असिस्ट किए। जब एक टर्म आई, प्राइमरी लेडी आई, उसको जब हमने देखा कि उसका ड्यू था, सीजर करना बहुत जरूरी था, फीटल पल्सेशन ज़्यादा बढ़ गए थे, मैडम को मैंने फ़ोन किया, मैडम बोले आप स्टार्ट कर दीजिए, OT स्टाफ बुला दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। तो भी मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था, पहला अनुभव था। मैडम को हमने पहली बताया, मैडम आप आइए, मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम ना हो। तो मैडम मेरे पीछे आके खड़ी रही, तब तक कि मैंने पूरा ऑपरेशन स्टार्ट भी किया था और फिटर्स मैंने आउट भी किया, कॉर्ड काट दिया था और सिस्टर के पास दे दिया। बच्चा चिल्लाया, मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं लास्ट स्टिचेस जब मार रहा था तो मैडम खुशी से बड़ी तालियां बजा रही थी। तो ये मेरा जीवन का पहला सीजरियन ऑपरेशन था, तब से मुझे थोड़ा डेयरिंग बढ़ गया। और फिर मैडम को जब मालूम पड़ा कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन अच्छे तरह से कर सकते हैं, तो उस वक्त मैं 1.5 साल तक मुर्तिजापुर था, तो 17-18 सीजरन ऑपरेशन मैंने बहुत सक्सेसफुली किए, उसकी मुझे खुशी होती है। और इसके साथ मुझे ये भी हो रहा खुशी होती है कि सब ऑपरेशन सक्सेसफुल। बधाई हो सर आपको। मित्रों, जहाँ एक और सरकारी क्षेत्र में आमतौर पर एक धारणा होती है कि लोगों में बहुत ज़्यादा काम का उत्साह नहीं होता है या कहीं एक उदासीनता होती है, वहीं पर डॉक्टर BR देशमुख साहब ने जो अनुभव हमारे साथ शेयर किया है, वहाँ पर इनकी काम के प्रति लगन और सीखने की उत्कंठा, ये दोनों चीज़ें दिखाई देती है। और इसी का परिणाम है कि साथ में लेडी डॉक्टर होते हुए भी डॉक्टर देशमुख सर को सीजन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन की जवाबदारी दी गई और इनके ऊपर उन्होंने पूरा विश्वास दर्शाया। सर, एक बहुत प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा है कि इतने लंबे आपकी सरकारी सेवा में, इतना लंबा जो पीरियड आपने किया है, और जिस तरह की आज व्यवस्था हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र में आमतौर पर कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, कहीं कोई असामाजिक तत्व आते हैं, कहीं शहर के आसपास के कोई गुंडा तत्व आते हैं और परेशानी होती है, कंप्लेंट्स होती है, पेपर में आते हैं, मीडिया में आता है, आपके कार्यकाल में ऐसा कोई वक्त कभी नज़र नहीं आया, इसका कारण क्या मानते हैं? ऐसे वक्त बहुत आ गए, क्योंकि जनरली आते ही रहते हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा स्टाफ है, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होता ही रहता है। तो ये चीज़ें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बोलो या न्यूसेंस वैल्यू बोलो, वो तो होती ही रहता है, सब जगह होता है।
आपके समय भी होता है, हमारे समय भी हुआ, लेकिन इंडिविजुअली अगर मुझे देखा जाए तो मुझे ऐसा मौका कभी नहीं है। उसका कारण एक ही है कि एक तो मैं सहनशीलता थोड़ा सा मेरा एक पार्ट था, मैं लोगों की जो कंप्लेंट्स है वो सुनने की सहनशीलता रखता था। जो भी बातें हैं पहले आपने उनकी सुन लेना चाहिए शांति से, सुनने के बाद में थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखने रखने के बाद में उनको थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। चार आदमी बैठे बैठा बिठा लिया सामने और उनको थोड़ा समझाने की कोशिश की कि आप देखिए ये पेशेंट था, इसको हमने ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट दिया, ये इतने बजे आया, इतने बजे हमारे स्टाफ ने उसको ये किया, अटेंड किया, ये इन्वेस्टिगेशन किए गए, रेगुलर ट्रीटमेंट चालू था, हम लोगों की उसमें कोई गलती नहीं। आप लोग किसी को बताइए कि केस पेपर, मैं आपको बताता हूँ, केस पेपर भी बताता हूँ, अगर आप चाहे तो मैं केस पेपर बता सकता हूँ। तो पेशेंट्स को थोड़े चार लोगों को समझा दिए, शांति से समझा दिए, अपना भी थोड़ा माइंड स्टेबल रखे। तो जितने भी एग्रेसिव लोग आते वो 10 मिनट के लिए कम से कम आपकी बात सुन लेते, सुनने के बाद में हो सकता है चार लोग एग्रेसिव हो लेकिन उसमें से दो लोग सुनने की अपनी रखते हैं तो वो उनको समझा देते कि ठीक है डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, कम से कम चलिए आपका पेशेंट कौन से वार्ड में है, हम आते हैं, पेशेंट को देख लिए, सिस्टर को बुला लिए, सिस्टर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे दिए, पेशेंट को ट्रीटमेंट के बारे में सब समझा दिया, वो लोग मान जाते हैं। आज तक इतने साल में कम से कम 18 साल की सेवा हुई हॉस्पिटल में भी, लेकिन मेरे मुझे तरफ ऐसा कभी मौका है नहीं कि मैं मेरा खुशकिस्मत समझता हूँ। इसका दूसरा भाग, पेशेंस बहुत जरूरी है। इसका दूसरा भाग समझा देना, इसका दूसरा भाग जो जुड़ा हुआ भाग है, अभी जो बढ़ती घटना इसका कारण आप क्या मानते हैं? अभी जो बढ़ती घटनाएं जो बढ़ रही है उसमें मैं नहीं समझता कि डॉक्टर लोग का इसमें कोई दोष है, क्योंकि हर आदमी इतना इन्वेस्टमेंट करता है, इतना सेटअप करता है अपने हॉस्पिटल का, तो वो जवाबदारी के साथ ही करता है, वो अपना स्टाफ भी रखता है, सब बातें बराबर है। लेकिन उसमें होता क्या है कि इतना सब करने के बावजूद भी लोगों की टेंडेंसी कैसी होगी, एक तो पेशेंट सीरियस हॉस्पिटल में आता है, लास्ट स्टेप में बोलो या आखिरी इसमें पेशेंट अपने आता है हॉस्पिटल में, नॉर्मल केस में हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आता। आने के बाद में उसका पेशेंट का अपन सब लोग करते हैं, जैसा पेशेंट आईसीयू में डाल दिया, आईसीयू में सब उसके अपन इन्वेस्टिगेशंस किए, पेशेंट को आए वगैरह ट्रीटमेंट किए, जो जरूरी है वो अपन सब कुछ करते हैं, अपना स्टाफ भी वहाँ उसको रेगुलर अटेंड करता है। होता क्या है, पेशेंट्स को, लोगों को लगता है कि हमारे पेशेंट को इतनी जल्दी तो रिलीफ होने वाला नहीं, क्योंकि पेशेंट सीरियस रहता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशन करो उसके बाद में ट्रीटमेंट चेंज करो, तो इट टेक्स टाइम, उसका अपना समय लेता है पेशेंट ठीक होने के लिए। लेकिन लोगों को लगता है इतनी जल्दी मेरा पेशेंट ठीक हुआ, 48 घंटे हो गए तो पेशेंट को होश नहीं है। अरे आपका पेशेंट ही अगले लास्ट स्टेज में आ रहा है, एक्सीडेंटल केस है, सीरियस केस है, उसको दुरुस्त होने में टाइम लगेगा, डॉक्टर भी अपना नॉलेज खर्चा करता है, वो भी अपने हिसाब से ट्रीटमेंट सोचता है, तो उसको भी थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ा पेशेंस पेशेंट ने रखना चाहिए। लेकिन पेशेंट एग्रेसिव हो जाते और इन द मीन वाइल सब कुछ कर रहे हैं, वेंटिलेटर चालू है, सब चालू है, ट्रीटमेंट नर्सेस रेगुलर दे रही है, डॉक्टर रेगुलर देख रहा है, अपना ट्रीटमेंट बराबर दे रहा है, इसके बावजूद भी अगर इंटरनल चेंजेस उसके बॉडी में हो रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रही एंड पेशेंट एक्सपायर्ड, तो इसमें डॉक्टर का कसूर है? आप मानते हैं डॉक्टर का कसूर? लेकिन पेशेंट्स एग्रेसिव रहते हैं, उनकी प्रवृत्ति जरा अलग रहती है, क्योंकि उनका पेशेंट रहता है, उनको भी उतना दुख होता है कि मेरा पेशेंट दो दिन में आ गया, कैसे चले गया, डॉक्टर की निग्लिजेंस हो गई, तो उनके दिमाग में एक अलग चीज़ भर जाती है कि डॉक्टर के निग्लिजेंस के कारण पेशेंट चले गए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, उन लोगों ने सोचना चाहिए कि डॉक्टर इतना बड़ा खर्चा करके ऐसा ही बैठा नहीं है, उसका नॉलेज वो बेचारा अपने तरफ से करता है, अपने तरफ से वर्क करता है, थोड़ा लोगों ने सोचना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। मैं बोलता किसी का भी नुकसान हो गया उसके जगह अपने लड़के का दवाखाना रहा, अपने लड़के का अगर हॉस्पिटल रहा, समझिए उस जगह अपना लड़का है, वो डॉक्टर है, उसने इतना बड़ा सेटअप किया है और उसका इतना बड़ा नुकसान आप अननेसेसरी कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है ऐसा मुझे लगता है। इस पर उन लोगों ने खुद ही गौर करना चाहिए, क्योंकि आखिरी में आप डॉक्टर बोलते हैं वो भगवान नहीं है, वो तो बेचारा आदमी है ना, आखिरी उसको भगवान का दर्जा अपन लोगों ने दिया है, मानता हूँ मैं भगवान है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं, आखिरी सूत्र तो वही चलाता है, कोशिश करना डॉक्टर का काम। तो मैं मुझे रिक्वेस्ट है कि पूरा लोगों ने थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, एकदम एग्रेसिव भूमिका नहीं लेनी चाहिए। मैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर देशमुख सर जो हमारे सभी दर्शकों को बता रहे हैं, वो इस तरह की कि जितनी भावनाएं मरीज के रिश्तेदारों को अपने मरीज के साथ है, विश्वास मानिए, यहाँ पर जो उपचार करने वाला डॉक्टर वो भी उतनी ही मेहनत के साथ, लगन के साथ, आत्मीयता के साथ उस पेशेंट को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर देशमुख सर ने बताया कि ज़रूरी नहीं कि हर दवाई हर मरीज को उसी तरह से लागू पड़े जो पिछले बार लागू या दूसरे पर लागू पड़ी, हर एक की अपनी बॉडी सिस्टम होती है, बॉडी किस
लेवल पर मरीज हमारे पास आया कि स्टेज पर मरीज आया, ये उस पर भी निर्भर करता है कि वो दवाइयों को ट्रीटमेंट को कितना रिस्पॉन्ड करेगा। इन केस अगर ऐसा होता है कि दुर्भाग्यवश अगर कोई अनुचित घटना घटती भी है तो रिश्तेदारों ने उतना संयम धीरज दर्शाते हुए अपने डॉक्टर साहब पर पूरा विश्वास दर्शाते हुए एक आपसी कम्युनिकेशन संवाद के बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। और स्थिति तोड़फोड़ जैसा सर ने बताया कि अगर हमारा अपना बच्चा कोई हो, हमारा कोई रिश्तेदार हो, उसके साथ में अगर ये घटना घटती है तो हमने उसको उस जगह पर रख के सोचना चाहिए। मित्र, एक बहुत ही नम्र निवेदन है कि अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ आपको अपने चिकित्सक या अपने डॉक्टर के प्रति कोई शिकायत हो या गलत लग रही हो, हाथ जोड़ के विनती है कि इसे उनके साथ में प्रत्यक्ष संपर्क कर डायरेक्ट बातचीत करके आप सुलझाने की कोशिश कीजिए। सर, आपका जो इतना लंबा आपने जो मेडिकल करियर आपका था, तो काफ़ी खट्टे मीठे अनुभव भी आए होंगे जी। तो इसमें से कोई ऐसा एक अविस्मरणीय अनुभव कि जो आपको काफ़ी सुखद लगता है, आज भी याद करते हैं आपका एक चेहरे पे हंसी आ जाती है, ऐसी कौन सी घटना आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जब मैं सर्जरी करता था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, एक दिन दोपहर के 2 बजे की बात थी, आई वॉज ऑन ड्यूटी और माइनॉरिटी मेरी खुली थी। तो एक पेशेंट मरीज ऐसा है कि उसकी पैर की टाँच रहती है, वो टाँच आधी टाँच पूरी ऐसी लटक गई थी एक्सीडेंट में, वो पैर फंस गया था, आधी तार टाँच पूरी लचक गई थी और काफ़ी ब्लीडिंग जा रहा था। और वो पैसा पेशेंट ऐसे स्टेज में आया कि मुझे उससे देखा नहीं गया। मैं अगर उसको ओटी में भेज देता तो डॉक्टर आने में काफ़ी टाइम लगता, 2-3 घंटे आराम से लग जाते थे और पेशेंट को ट्रीटमेंट में भी देर हो जाता था। शायद हो सकता है हाइपोटेंशन में जाके पेशेंट चले भी जाए, इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए मैं कुछ करूँ। मेरा ओटी का स्टाफ था, मैंने इमीडिएटली उसको ओटी में शिफ्ट किया, उसका डिब्राइनमेंट किया। डिब्राइनमेंट करने के बाद में मैंने इमीडिएट डिसीजन ले लिया कि इसको अपन ठीक करेंगे। तो मैंने उसको इंटरनल कैविटी सुचरिंग, स्किन सुचरिंग, ये सब करके पूरा क्लीन करके उसको मैंने प्लास्टर दिया, कंप्लीट POP मैंने उसको लगा दिया। और वहाँ तो बिलो ने POP दिया, POP देने के बाद एंटीबायोटिक्स दिया, उसको IV लगाया मैंने, यौन कैजुअलिटी में माइनॉरिटी में IV लगाया और बाकी एंटीबायोटिक देके ट्रीटमेंट दिया। और उसी दिन 2 घंटे उसको वहाँ रख के मैंने उसको एक गाड़ी बुलवाया एम्बुलेंस और उसमें शिफ्ट उसके गाँव को कर गया और उनको बोला फॉलोअप के लिए 4 दिन के बाद भी चले आना। तो वो पेशेंट जब उसका पूरा ट्रीटमेंट हो गया तो उसके चेहरे पर थोड़ी हंसी आ गई, उसके रिलेटिव उसके चेहरे पर हंसी आ गई। उसके बाद भी वो अपने गाँव चले गया, मुझे मालूम नहीं वो कौन से गाँव का था, I don't know anything। सो लेटर ऑन एक दिन मैं बस में सिटी बस से जा रहा था, कोई बाहर गाँव जा रहा था, तो एक कंडक्टर टिक 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 करके टिकट के लिए मेरे पास आ गया। मेरे पास आने के बाद मैं अपने टिकट के लिए पैसे निकाल रहा था और वो मेरे चेहरे पर देख रहा था। देखते देखते उसको इमीडिएट याद आया कि यही डॉक्टर साहब थे जिसने मेरी टाक में यही हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरा और टाक डॉक्टर साहब ने दुरुस्त की, इसलिए आज मैं चल रहा हूँ, अदरवाइज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी। तो देख के मेरे पास, डॉक्टर साहब आप मुझे पहचानते क्या? मैं बोला मैं नहीं पहचानता। तो उन्होंने बोला आप ही ने मेरा टाच का ऑपरेशन किया है, इसकी वजह से आज मैं चल रहा हूँ और उसके बाद में 10 साल मेरी सर्विस चल रही है। तो मुझे नमस्ते करने लगा, मेरे पैर पड़ने लगा, लोग सब बस के लोग देखने लगे कि ये क्या चीज़ है। तो मैं, मेरे भी आँख में से पानी निकला और उसके भी आँख में से पानी निकला। दैट वॉज ए वेरी गुड इंसिडेंस इन माई लाइफ। काफ़ी भावुक अनुभव। और ये इन्हीं, तो इससे मेरे को बहुत बड़ी खुशी मिली कि चलो मैंने किसी का तो अच्छा किया जीवन में, तो वो बहुत बड़ा मेरे लाइफ में इंसिडेंस था। निश्चित तौर से न केवल उसके आपने एक तरह से पैर बचाया बल्कि एक आजीविका का साधन भी दिया जिसके कारण उसका और उसके पूरे परिवार का पालन पोषण और भरण पोषण हुआ है। सर, अब हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर हैं और जैसा मैंने बताया कि भली उम्र से आप सीनियर सिटीजन हैं लेकिन जिस संगीत कलोपासक संस्था से आप संबंध रखते हैं, IMA के काफ़ी कुछ कल्चरल प्रोग्राम में आप भाग लेते हैं, तो मन की जो कोमल भावना है वो अभी भी जीवित हैं। तो इस मोड़ पर आप हमारे युवा दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवा दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, लगन से, मेहनत से और ईमानदारी से काम कीजिए। हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट जीवन में और सिंसियरिटी, ये 2 चीज़ें अगर आपके पास रही तो मुझे नहीं लगता कोई ताकत आपको रोक सकती है। आप जिंदगी में जो भी करना चाहे, जो भी आपका एम्स है, अगर वो ईमानदारी से, चिकाटी से और सिंसियरली आप करना चाहे तो डेफिनेटली सक्सेस होगा। इसीलिए योग लोगों को मुझे यही कहना है कि आज के ज़माने में आपकी जो भी हॉबी हो वो हॉबी आप जरूर कीजिए, लेकिन उसके साथ में आपका जो करियर अगर आपको बनाना है तो जो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस पर आप लगन से काम कीजिए।
आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान भी आपको साथ देगा। बहुत बढ़िया। तो मित्रों, संक्षेप में अगर इस तरह से कहा जाए कि सफलता की राह अगर सही मार्ग से पूरे परिश्रम के साथ, ईमानदारी के साथ की जाए तो सफलता निश्चित मिलनी है, और इसको कोई शॉर्टकट नहीं है। सर ने बताया कि युवाओं को पूरे संयम और धीरज की ज़रूरत है, और जिस रास्ते को चुनते हैं भली भांति अपनी पसंद के हिसाब से चुने और उस पर पूरे प्रयत्नों के साथ काम करें तो सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। मित्रों, आज एक बहुत ही सार्थक और दिलचस्प चर्चा हमारे वरिष्ठ आईएमए मेंबर, आईएमए के प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर बीआर देशमुख साहब के साथ संपन्न हुई। हमने अपनी तरफ से हर तरह से संभव प्रयत्न किया कि ये कार्यक्रम आपको दिलचस्प और जानकारी देने वाला बने, लेकिन कार्यक्रम के बारे में आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव और आपके विचार जब तक हम तक नहीं पहुँचेंगे हमें पता नहीं चलेगा हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, और इसीलिए स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए नंबर से आप हमसे प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमें इन चीज़ों का इंतज़ार होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को हमेशा से एक शुभकामना देते हैं कि आपका आने वाला कल आज से अधिक मंगलमय और कल्याणकारी हो। मित्रों, समय अपनी सीमा बता रहा है, विदा की घड़ी आ गई है। इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर भेंट होगी। सर, एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपने हमारे दर्शकों को किया, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।